जिस तरह से भजनपुरा के एमसीडी स्कूल में दो बेटियों के साथ जिस तरह से शर्मनाक हरकत हुई है, और स्कूल आवर में, स्कूल में बिना सोचे समझे कोई आता है और दो बेटियों के साथ बदतमीजी करता है, और जिस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए उस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम सबको जिस देश में बार बार बोला जाता है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पे बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। और आज जब बेटी अपनी शिकायत लेके प्रिंसिपल के पास उसके पेरेंट्स जाते हैं, और प्रिंसिपल कहती है अरे छोड़ो ना, बात को ख़त्म करो ना, इस तरह की जो बात है ये तो और भी शर्मनाक है। एक प्रिंसिपल स्कूल के जिम्मेदार साथी होते हैं, उनके ऊपर पूरे स्कूल को संभालने की, पूरे स्कूल की बेटियों की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो ये बात कह रहे हैं। किसके सह पर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? दिल्ली की एमसीडी की स्कूल नहीं, पूरी दिल्ली की स्कूल को शिक्षा विभाग ने एक गाइडलाइन जारी किया था और कहा था जो सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, जिसको आज तक फॉलो नहीं किया गया। एमसीडी के कोई स्कूल इसको मानने को तैयार नहीं, और ना ही उस बात को अप्लाई करने के लिए करने की कोशिश की। आज जिस तरह से स्कूल प्रशासन ने सारे नियम की धज्जियां उड़ाई, ना ही अभी तक कोई केस दर्ज हुआ उस पे, और ना ही अभी तक कोई कार्रवाई हुई जो विक्टिम है जिसने इस तरह की हरकत की, ना ही उसको पकड़ा गया, ना ही उस पे कोई एफआईआर दर्ज हुई। तो मैं आज दिल्ली की जनता की ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से, और एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते, आज दिल्ली की प्रशासन से, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मांग करती हूँ कि उन बेटियों के साथ जो भी दरिंदगी की है, जो भी शर्मनाक हरकत की है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई, ताकि और भी जो लोग हैं जो इस तरह की हरकत समाज में कर रहे हैं, उनको एक सीख मिले और उनको उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो भाजपा की एमसीडी है, जितने भाजपा के लोग हैं, अगर प्रशासनिक प्रशासन को सही तरीके से नहीं चला पा रहे, और प्रशासन की एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल की और पूरे सिस्टम की कैसे हिम्मत हुई इस बात को कहने की जो हम कुछ नहीं कर सकते, इस बात को दबा दो, इस बात को ख़त्म करो, ये तो ऐसे ही है, एकदम हल्के में इस बात को लिया गया, ये भी बहुत ही किसके हिसाब पर लिया गया, किसके इशारे पे ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो प्रिंसिपल की ऐसी हिम्मत नहीं होती, प्रिंसिपल तुरंत पुलिस बुलाए और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। राखी सभी साथियों को नमस्कार। और आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम आपके समक्ष यहाँ पर पेश हुए हैं, वो बेहद शर्मनाक और बेहद दुखद विषय है। भजनपुरा के एमसीडी स्कूल के अंदर जिस प्रकार से विगत 30 अप्रैल को एक अनजान व्यक्ति स्कूल परिसर में घुसता है और क्लासरूम में जाकर बच्चियों के साथ इतनी शर्मनाक हरकत करता है कि उनको उसको कोई इज्जतदार व्यक्ति अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद एमसीडी के स्कूल प्रशासन का रवैया कितना लचर और बेशर्मी भरा था ये सबने देखा। पिछले 15 सालों से एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है। एक तरफ दिल्ली के अंदर कूड़ा कूड़ा कर दिया गया, और दूसरा एमसीडी के सरकारी स्कूल में बच्चों की शिक्षा से लेकर उनकी सुरक्षा से लेकर बिल्कुल लचर व्यवस्था का प्रमाण हम लोगों ने पिछले दिनों देखने को हम सबको देखने को मिला। किस प्रकार से अध्यापकों के अंदर भी इस बात की जरा सी शर्म या जरा सा डर नहीं है कि अगर स्कूल परिसर में किसी बच्ची के साथ
इस प्रकार का दुर्व्यवहार बाहर का कोई व्यक्ति आकर करता है और उसके खिलाफ अगर हम कड़ी कार्रवाई नहीं करते तो क्या प्रशासन हमारे ऊपर कोई गंभीर कार्रवाई तो नहीं कर देगा? क्या हमारी नौकरी तो नहीं चली जाएगी? लेकिन अधिकारियों में अगर ये डर नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि जो व्यक्ति उस दिन स्कूल के अंदर घुसा उन बच्चियों के साथ, जिसने जो है ये शर्मनाक हरकत करने की कोशिश करी, निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस व्यक्ति के संबंध भाजपा से जुड़े होंगे, तभी भाजपा के दबाव में स्कूल की प्रधानाचार्य और स्कूल के अध्यापकों ने उस बात को दबाने और उस पर लीपापोती करने की कोशिश करी। एक तरफ तो एमसीडी का स्कूल, जिसको 15 साल से भाजपा चला रही है, जिस एमसीडी को, वहां पर बच्चियों की सुरक्षा बिल्कुल लचर दिखाई दी। स्कूल प्रशासन में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो चाक चौबंद बेटियों के लिए पूरे इंतजाम होने चाहिए, उसकी पोल खुलती हुई नजर आई। दूसरी तरफ अगर दिल्ली समेत पूरे जो है लोगों की सुरक्षा की बात करें तो उसका भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधीन, भाजपा के अधीन आती है। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, दिल्ली पुलिस ने कोई जो है एक्शन नहीं लिया। 3 से 4 दिन इस घटना को हो गए, पूरी की पूरी भाजपा बिल्कुल मौन बैठी है, मुंह में दही जमा कर बैठी है। और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि दिल्ली के एमसीडी स्कूल में लगभग 10 से 12 लाख बच्चे पढ़ते हैं और जैसे ही ये घटना दिल्ली के आम जन के लोगों के बीच में पहुंची है तो उन बच्चों की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ा होगा? क्या वो बच्चे अब स्कूल जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या बच्चियां पढ़ने के लिए कुछ घंटे अपने घर से बाहर रहने की हिम्मत जुटा पाएंगी? क्या एमसीडी के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति, किसी भी जिम्मेदार नेता, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने आकर इस संदर्भ में कोई बात कही? वैसे से तो ये तमाम बातें करते हैं, लेकिन जहां बेटियों की बात आती है, जहां दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की बात आती है, जहां पर दिल्ली के लोगों को एक अच्छा माहौल देने की बात आती है, तो भाजपा के लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर पे से सींग गायब होते हैं। और लगातार देखा गया है, दिल्ली में दंगा हो या दिल्ली में किसी महिला के साथ छेड़खानी हो या दिल्ली के अंदर कोई और ऐसी घटना हो जिससे कि आसपास के माहौल में तनाव पैदा हो, सब का जो है घटनाक्रम के तार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए हैं। इसके उलट एमसीडी के स्कूल परिसर में घटना होती है, पूरी की पूरी एमसीडी मौन बैठी रहती है, पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस जो है मौन बैठी रहती है, लेकिन वहीं पर दिल्ली महिला आयोग है जिन्होंने दिल्ली पुलिस को तलब किया और एक्शन जो है जल्दी से जल्दी लिए जाए, इसके लिए पत्र लिखकर उनसे जो है इस बात का संज्ञान लेने की कोशिश करी और अपने ऑफिस में जो है उनको बुलाने की बात कही और उनको जो है उनसे क्वेश्चन किया गया कि किस प्रकार से 3 से 4 दिन होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस घटनाक्रम को लेकर मौन क्यों बैठी है। तो ये बेहद दुखद है, पिछले 15 सालों से दिल्ली के अंदर एमसीडी में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, दिल्ली के अंदर अतिक्रमण बढ़ाने का काम इन्होंने करा और आज इनकी एक और पोल खुल गई कि एमसीडी के स्कूल में हमारी बेटियां, हमारे पढ़ने वाले बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, कभी भी उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है और अगर बच्चे और परिवार अगर स्कूल के अध्यापक और प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे तो परिवार के ऊपर ये प्रेशर बनाया जाता है कि आप इस बात को यहीं दबा दीजिए, इस बात को मत उछालिए। तो ये बेहद शर्मनाक है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर भाजपा शासित एमसीडी, भाजपा के नेता, दिल्ली पुलिस अगर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अपनी बेटियों की सुरक्षा, अपनी बेटियों की रक्षा के लिए अगर सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल किसी? चले, थैंक यू।